गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 8, दैट इज बीइंग रेस्पेक्टफुल. बीइंग रेस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है? सबकी इज्जत करना सीखो. तो हम लोग सबसे पहले गोल्डन वर्ड्स पढ़ते हैं. गिविंग रेस्पेक्ट गेट्स यू ब्लेसिंग्स विच हेल्प इन सक्सेस. अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो वो इंसान आपको ब्लेस करता है, ब्लेसिंग देता है, और ब्लेसिंग से आपको सक्सेस मिलती है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एवरी इंडिविजुअल डिजायर्स रेस्पेक्ट. हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको रेस्पेक्ट मिले, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ. सबको चाहिए कि वी शुड बी रेस्पेक्टेड. इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी. एक ह्यूमन टेंडेंसी, कोई तो नहीं चाहेगा कि उसकी इंसल्ट हो. हर इंसान चाहता है कि वो उसकी रेस्पेक्ट की जाए. बींग यंग यू शुड लर्न टू गिव रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स. आप छोटे हैं, आप यंग हैं, तो दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज़ योर एथिक दैट यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स. यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स. आपको अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और कोई भी एल्डर आपसे, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पोजिशन पर हो, चाहे वो एक बेगर हो, चाहे वो एक बार्बर हो, चाहे वो एक वेटर हो, कोई भी हो, he deserves respect. If he is elder to you, you must respect him or her. Treating people with respect makes the world a nicer place to live in. अगर सब एक दूसरे को respect करने लग जाएंगे तो ये world कितनी ही nicer place हो जाएगी रहने के लिए. You can show your respect toward your parents by way of obeying them. आप अपने parents को कैसे respect show करते हो? उनकी बात मानकर, right? By talking to them politely and by showing care towards them. उनसे प्यार से बात करते हो, respect से बात करते हो, और उनकी care करते हो. ये आप दिखाते हो कि आप उनकी कितनी respect करते हो. You should even be respectful towards all senior citizens. जितने भी senior citizens हैं उनकी तरफ आपको respect दिखानी चाहिए, ठीक है. You should be respectful towards all the old people who serve you. जितने भी old people हैं जो आपको serve करते हैं, चाहे वो आपके shop का staff हो, चाहे वो आपके घर की मेड हो, वो सब आपसे बड़े होते हैं, लेकिन स्टिल वो आपको सर्व करते हैं, वो आपका काम करते हैं, तो आपको उनको रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए. ये नहीं जताना चाहिए कि दे आर वर्किंग फॉर यू सो वो आपके नौकर हैं और आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उनकी डिसरेस्पेक्ट करोगे. सो दिस इज रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर्स, सर्वेंट्स, गार्डनर्स एसेट्रा. मोर ओवर, कंसिडर योर सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू. आपको खुद को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, ठीक है. दिस इज़ योर लक दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू. ट्रीट देम लविंगली एंड बी अफेक्शनेट टूवर्ड्स देम. उनको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए और उनके तरफ बहुत ही अफेक्शनेट रहना चाहिए, ठीक है. लविंगली एंड अफेक्शनेट, ओके. Now, how can you show respect towards elder? आप अपने elders को कैसे respect दिखा सकते हैं? So as to be respectful towards the elders, be a good listener. जब कोई बड़ा आपको कुछ बोल रहा होता है, भले वो बात आपको सुननी है नहीं सुननी है, you are agreeing with that, you are not agreeing with that, at least listen to it. उसको सुनो. फिर if you have any doubt towards that talk and towards that decision, या आपको नहीं चाहिए कि इस decision में ऐसा होना चाहिए, तो आप अपनी बात उसके बाद रखो. But first be a good listener, सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है. Next is give value to elder people's opinion. बड़े आपको बहुत तरीके की opinion, advice, सलाह देते हैं, तो आप उनको value दिया करो, because it is good for you. They are experienced, they have seen the situations you are handling now. तो ये अच्छा है कि आप उनकी बात सुनो, उनके ओपिनियन को रेस्पेक्ट करो, उनके ओपिनियन को अडेप्ट करो अपनी लाइफ में, एंड देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, ओके. नेक्स्ट इज बी थॉटफुल अबाउट द एल्डर पीपल्स फीलिंग्स एंड इमोशंस. आपके बोलने से आपका जो बड़ा है, जो आपके सामने है, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको सोच कर ही बोलना चाहिए कि इफ़ दे आर गेटिंग हर्ट, इफ दे आर गेटिंग हैप्पी, इफ दे आर गेटिंग सैड, इफ दे आर गेटिंग एंग्री, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. नेवर स्कॉर्न और रिडिक्यूल द एल्डर पीपल. अपने से जो बड़े होते हैं ना, उनको कभी स्कॉर्न नहीं करना चाहिए, रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट या ऊंची आवाज़ में बात करना, उनके डिसीजंस को ना मानना, ऐसा नहीं करना चाहिए. नेवर क्रिटिसाइज द एल्डर पीपल बिहाइंड देयर बैक्स. कभी भी अपने बड़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए, जैसे आप अपने टीचर्स को या अपने
कोई भी रिलेटिव को जो आपसे एल्डर है उनको मॉक करते हो बिहाइंड देयर बैक, वो आपको नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेवर फोर्स एन एल्डरली टू डू समथिंग विच ही शी डज नॉट वॉन्ट टू डू. कभी भी अपने बड़ों से किसी भी चीज़ को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए. जैसे आप लोग जिद पकड़ लेते हो दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, आई वॉन्ट दैट मोबाइल, आई वॉन्ट दैट ड्रेस, इफ़ दे आर नॉट बाइंग यू दैट तो उसके पीछे कोई रीज़न है. ठीक है, तो उस रीज़न को समझें, उस रीज़न को रेस्पेक्ट करें. एंड इफ़ दे आर टेलिंग दैट दे विल बाय द पर्टिकुलर थिंग आफ्टर सम टाइम, देन रेस्पेक्ट दैट डिसीजन. ओके, सो फॉर टुडे वी विल कीप इट टिल हियर. योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू राइट द गोल्डन वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड you have to read the chapter once again, listen to it carefully, try to understand. Still if you have any doubt till here, you can message me personally and we'll continue in the next class. Thank you.